हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट लिटिल लाइफ। तो आज हम विलेज स्टाइल मटका कुल्फ़ी बनाएंगे, जिसमें हम बहुत ही बेसिक चीज़ों का यूज़ करेंगे जो कि इजीली अवेलेबल होता है। इसके लिए हम गाय का दूध ले रहे हैं जो कि एकदम ताज़ा है, और ये करीबन 3 लीटर होगा। और इसको हम कढ़ाई में उबाल लेंगे। आप कढ़ाई की जगह कोई भी चौड़े मुंह वाले बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, इससे ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको ऐसी तरह बीच बीच में चम्मच चलाते हुए उबाल लेंगे, और ये देखिए ये उबल कर करीबन आधा हो गया है। और इसी तरह हम इसका साइड साइड से जो मलाई जम जाती है उसको निकालते रहेंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे जले ना। और अब हम यहाँ पर चीनी ऐड कर रहे हैं जो कि करीबन 250 ग्राम है। हम यहाँ पर आपको एकदम अप्रॉक्स क्वांटिटी बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मेज़रमेंट कप नहीं है। और यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं अपने पसंद का, जिसमें हमने लिया है काजू, बादाम और पिस्ता, जिसको हमने बारीक कट करके ऐड कर लिया है। यहाँ पर आपके पास फ्रेश मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप पैकेट वाले मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह हम उबाल उबाल कर इसको एक तिहाई कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इलायची पाउडर यूज़ कर रहे हैं, करीबन 1/2 टीस्पून। अगर आपको इलायची फ्लेवर पसंद ना हो तो आप यहाँ पर केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मिल्क का थिकनेस ऑलमोस्ट रेडी है। हम अगर चम्मच चला रहे हैं जिस चम्मच को, उसको निकाल के देखते हैं तो उसमें एक लेयर सा बन जाता है। अब इस स्टेज में हम इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर इससे ज़्यादा हम गाढ़ा किए तो फिर हमारी कुल्फी अच्छे से जमेगी नहीं। तो ये देखिए अब इसको हमने ठंडा कर लिया है और ये और भी गाढ़ा हो गया है। अब हम यहाँ पर जो दाल गलाने वाला है उसका यूज़ करके इसमें जो ड्राई फ्रूट्स और मलाई है उसको अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी भी बहुत ही आसान होती है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अब ये जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको जो मिट्टी का पॉट होता है छोटा सा, उसमें डाल रहे हैं। आपके पास कुल्फी मोल्ड है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप जो चाय वाला डिस्पोज़ल होता है छोटा सा, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का डिस्पोज़ल। या तो फिर आप किसी भी कटोरी वगैरह में भी इसको जमा सकते हैं। तो इस तरह हमने सारा दूध जो गाढ़ा किए थे उसको इस तरह डिस्पोज़ल और मिट्टी के पॉट में फिल कर दिया है। अब ये जो पॉलीथीन है उस टाइप का पॉलीथीन लेकर हम इसको कवर कर लेंगे और उसमें रबर बैंड लगा देंगे। आपके पास एल्युमिनियम फॉइल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह जो कपड़े का जो पॉलीथीन आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमने किया है। और अब हम इसमें छोटा छोटा सा होल कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर स्टिक डालेंगे कुल्फी बनाने के लिए। इसी तरह हम सारे कप्स और पॉट्स को कवर करके रेडी कर लेंगे और इसको रात भर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज होने के लिए। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये अच्छे से जम चुका है, आपको कवर हटा के दिखाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप कवर हटाएंगे और ये देखिए ये अच्छे से जम गया है। अब हम डिस्पोज़ल वाले का ऐसे ही थोड़ा हल्के हाथों से रब कर लेंगे और इसको स्टिक को हल्के हाथों से खींचेंगे तो फिर ये इजीली निकल जाएगा। ये देखिए ये बहुत क्रीमी सा रेडी हुआ है बनकर, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घरों में भी एंजॉय कीजिए। आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक
थैंक यू फॉर वॉचिंग।